सेशन कोर्ट लाहौर में एक बम धमाका होता है 1997 में, जिसमें अलामा जियाउर रहमान फरूखी साहब शहीद हो जाते हैं और इनके साथ और भी लोग शहीद होते हैं। मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये यहां से नीचे वाला बदन सारा जख्मी हो जाता है और जख्मों की यह हालत होती है कि लाहौर के डॉक्टर्स एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में वो ये कहते हैं कि आपकी बाई टांग काटनी पड़ेगी। मौलाना आजम तारिक कहते हैं कि मेरी एक उंगली भी काटने की तुम्हें इजाजत नहीं है। बहरहाल इलाज किया जाता है और इलाज में वो कहते हैं 2 घंटे सिर्फ इस चीज पर लगते थे कि मेरे जख्मों पर मरहम पट्टियां लगाई जाती और उनको उतारा जाता और मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन मुझे अपने रब की रहमत से यकीन था कि अगर रब ने मुझे बचाया है तो मुझसे काम जरूर लेंगे। और फिर वही मुल्ला आजम तारिक थे कि अपने पांव पर चलकर कौमी असेंबली तक पहुंचे, सूबाई असेंबली तक पहुंचे। जी